देश की बेटी हूँ मैं, कुछ अच्छा करके जाऊंगी, देश का नाम रखने के लिए अपनी जान भी दे जाऊंगी, अड़चने तो आएगी लेकिन सब कुछ सह जाऊंगी, भारत की बेटी हूँ मैं, इस तिरंगे को ऊंचा लहराऊंगी। जय हिंद, वंदे मातरम एंड अ वार्म ग्रीटिंग टू वन एंड ऑल वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई एम तनु फ्रॉम क्लास 10th ऑफ द फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कनाशा नाका CBSE। Over that, I am a girl who born in India to make the country proud। ऐसा क्या खास है मुझ में? क्या मैं सिपाही बन जाऊंगी? जी नहीं, मैं सिपाही बने बिना भी इस देश का नाम कर जाऊंगी। जी हाँ, मैं सिपाही बने बिना भी इस देश का नाम कर जाऊंगी। Today in this video, I will tell you a short story on Lieutenant Colonel Mithali Madhumita। मैं Lieutenant Colonel Mithali Madhumita हूँ। हाँ, मैं वही हूँ, भारत की पहली इंडियन आर्मी वुमेन जिसे गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया। आज मैं आपको 26 फरवरी जो मेरे साथ बीता उसकी गाथा सुनाऊंगी। मैं उस वक्त आर्मी एजुकेशनल कोप में पोस्टेड थी, तो जाहिर सी बात है मैं कुछ पढ़ाती होगी, मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरी पोस्टिंग अफगानिस्तान के कैपिटल एंड अ बिग सिटी काबुल में हुई थी। ये जाहिर सा सवाल है कि इंडियन आर्मी में रहकर काबुल में, मैं उस समय यूनाइटेड नेशन के मिशन पे थी। 26 फरवरी 2010 को मेरे पास न्यूज़ आई कि इंडियन MSB पर अटैक हुआ है। मैंने बिना देरी करे तुरंत ड्रेस चेंज करी और रूम से भागना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि अफ़गानिस्तान जैसी जगह पर छोटा मोटा हमला नहीं हुआ होगा और मुझे ये भी पता था कि वहाँ मेरे साथी मुसीबत में हैं। मैं लगातार 2 किलोमीटर तक भागती रही। मेरे ऊपर फायरिंग हुई पर मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया और मैं लगातार भागती रही। जब मैं इंडियन MSB के पास पहुंची तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैंने तुरंत कहा, व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड हाउ मेनी आर इंजर्ड? तो मुझे पता चला कि टोटल 90 डेथ थे और जिसमें से 7 इंडियन से। ये खबर सुन के मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत ही घायलों की मदद में जुट गई। जब तक मैं वहाँ पहुँची थी, इंडियन आर्मी ने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था और आतंकी को ढेर कर दिया था। ये थी मिताली मधुमिता की कहानी। शी इज़ द ओनली वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। पेरेंट्स चाहते थे कि लेक्चरर बन जाए और एक अच्छा घर बस जाए, पर उन्होंने नहीं मानी पेरेंट्स की बात और ठान लिया था कि देश का नाम करना है रोशन। जय हिंद, वंदे मातरम।